यहाँ से फ्री होके ना मैं अपना काम निपटा के फिर मैं आपको ना एक शैम्पू के बारे में बताती हूँ जो मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे बाल जो है टूटना बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल बस इक्का दुक्का जिसे कहते हैं ना बस वही टूटता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फ्री होके ना फिर मैं आपको शैम्पू के बारे में बताती हूँ। वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी एक वीडियो को कट किया है, दूसरी को मैंने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि फिर अगर मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी ना तो फिर मेरे ये जो है ना ये काफ़ी कामों में उलझा रहता है मेरा दिमाग, तो सब चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी फुल सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम आए हैं सुबह 7:30 बजे, सॉरी हम आए हैं सुबह 7:45 बजे हम आ गए थे घर। तो बस अब उसके बाद अभी कपड़े वपड़े यहीं पर पड़े हैं, दवाइयाँ मनराज की ये निकाल के मैंने यहाँ रख दी हैं फ़िलहाल। तो अभी ये सारा सामान अभी सेट करना है, अभी इसी के अंदर है सामान अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला। पापा इधर सो रहे हैं और मनराज उधर सो रहा है। चलो मैं दिखाती हूँ मनराज कहाँ है, सो रहा है अभी तक, क्योंकि रात भर सारी वो सोया नहीं है तो अभी वो फ़िलहाल सो रहा है। और चलते हैं चाय बनाते हैं। तो दादी भी सो रही है अभी और बाबू भी सो रहा है, दोनों भी फिलहाल सो रहे हैं। और मम्मी ने क्या बनाया देखते हैं अभी। एक हाथ से खोलो, मम्मी ने बनाया आलू के पराठे। तो चलिए बनाते हैं चाय। इन लोगों ने तो चाय चूहे पी पू के अपना काम ख़त्म कर लिया, मैं ही लेट उठी हूँ। तो चाय पीते हैं और फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। हाँ क्या हुआ? मीठा है, मेरे को भी दे दो, दे दो मेरे को भी एक एक अंगूर, एक दे दो, एक दे दो मेरे को, एक ही देना बस, वन। हाँ ये कैसा दे रहा है, गंदा सा, मतलब खा के तूने बीच में ही रख दिया इसमें। लाओ दे दो मेरे को, तो दे दो चालू आ। अभी जस्ट नहा धो के बैठी हूँ मैं और अभी मेरे को ये वाला रूम जो है क्लीन करना है। अभी मेरा सामान ऐसे कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ है, सारे कमरे को भी क्लीन करना है मुझे। उसके बाद में देखता लंच करती हूँ या नहीं करती हूँ, कि आज ना बहुत ज़्यादा थक गई, मार्केट गई थी और मार्केट होके आई हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कभी कभी ना ऐसा कुछ दिन होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम इतना ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। खैर मैं आजकल ऐसे वाले छोटे छोटे से इयररिंग्स पहनती हूँ, बहुत क्यूट से लगते हैं ना आजकल ऐसे वाले इयरिंग्स, मुझे पसंद आने लग गए हैं तो मैं यही पहनती हूँ हल्के हल्के गर्मियों में। आजकल ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना ये लाइट। और आज गर्मी की वजह से स्किन इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जब मैं गई हूँ ना तो उस टाइम मेरे को स्किन में हल्की हल्की ना ऐसे ड्राइनेस लग रही थी, हल्की हल्की। मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया था बट फिर भी लग रही थी। और उसके अलावा मेरे को यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना छोटे छोटे दाने हो गए मास्क की वजह से, यहाँ तक था मास्क, यहाँ पे इतनी जलन हो रही थी। जब मैंने मास्क उतारा यहाँ से यहाँ तक रेड रेड हो रहा था, इधर भी हो रहा था लेकिन इधर इतना नहीं है जितना इधर था, और यहाँ पर भी। गर्मियों में अब यही मुसीबत रहेगी, एक तो मास्क, ऊपर से रैशेज ऐसे हो जाएंगे फेस पे भी, हर जगह पे। मुझे ज़्यादातर ना इस जगह पे होता है और ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या मास्क लगाने के बाद? चलिए मैं भी रूम को क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
तो अभी फ़िलहाल थोड़ा यहाँ से जाले वाले उतारे हैं, यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग करी है और बाकी सारा जो है सामान जो जहाँ रखना था वहाँ रख दिया। पापा थोड़ी देर के लिए घर थे तो थोड़ी देर में मैंने ये काम निपटा लिया। पापा जाएंगे ऑफिस, उसके बाद अब फिर मेरे बस की तो बात है नहीं, फिर मनराज सारे दिन नाक में दम करके रखता है। तो चलिए अब ये वाला काम निपटा दिया है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग, और जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ना मेरे बालों की हालत ना बड़ी गंदी सी हो गई है, सही बता रही, बहुत ज़्यादा गंदी, और बाल भी ना बड़े ड्राई ड्राई से, और अगर मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ तो फेस पे फिर से पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को यहाँ वाले पानी से, तो जल्दी जल्दी अपने घर जाएँ तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है पानी की। वैसे तो थोड़ा ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बाल थोड़े थोड़े बहुत ठीक है, नहाने के दो दिन तक तो ठीक रहते, दो दिन बाद फिर ये अपना जो है सॉफ्टनेस इसकी चली जाती है, ड्राई ड्राई से होने लग जाते हैं, अजीब अजीब से होने लग जाते हैं। ना तो यहाँ पे कोई सीरम का कोई मतलब असर हो रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई कंडीशनर वगैरह या कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा बोरिंग वाला पानी, जो अब बोरिंग किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, बट बोरिंग वाला पानी होता है, अलग से खुदाई करते हैं, तो उसको 24 आवर्स आप जब चाहो तब आप चला कर और ले सकते हो, तो वो वाला पानी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और बाल पहले से वही बता रही हूँ ड्राई हो गए, बट थोड़े से लंबे हो गए हैं, थोड़े से कैसे दिखाऊँ मैं आपको, तो थोड़े से लंबे हो गए थोड़े से, और मनराज दिखाते काम रखते हैं, ये देख रहे हैं अपने टीवी। यहाँ से फ्री होके ना मैं अपना काम निपटा के फिर मैं आपको ना एक शैम्पू के बारे में बताती हूँ जो मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे बाल जो है टूटना बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल बस इक्का दुक्का जिसे कहते हैं ना बस वही टूटता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फ्री होके ना फिर मैं आपको शैम्पू के बारे में बताती हूँ। तो मैं ना मतलब बॉटल नहीं ली है, मैंने सैशे लिए हैं, तो वो थोड़ा सा सही रहता है, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, तो मुझे तो सैशे सही लगता है, तो मैंने वही लाया है, और मम्मी को भी मैंने दिया हुआ है। एक बार मैंने जब पिछली बार मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने बोला था इतना मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तो अब देखती हूँ, देखना क्या कर रहा है अब तो। ये देख पेंसिल के इतने सारे यूज़ हो सकते हैं, देखना ज़रा अब ये मार लेगा अभी, फिर वही बात है ना। मैंने इसको कॉपी, एक मिनट, मैंने इसे कॉपी ला के दी है, तो ये 3-in-1 इसकी कॉपी है, इसमें मैंने इसको बोला था 1-2-3 लिखना है, और ये देखना इसने 1-2-3 कैसे लिखा, ये सारा इसका मनराज का 1-2-3 है। और इसको मैंने और भी बताया था, रुक जाओ बेटा जी, और एक ये देखो 1-2-3 इसका, तो ये पढ़ाई तो करते नहीं है, दिखाती हूँ मैं। सब्सक्राइब तो तुम करवाते हो ना, 1-2-3 लिख के दिखाओ जल्दी से, 1 लिखो, 1, वेरी गुड, देखो 1 तो लिखा है बट बहुत बड़ा लिख दिया इसने, और एक हाँ लिखो, क्या खा रहे हो इन चुग चुग के नीचे से, क्या खा रहे हो, क्या है था है, देख रहे हो क्या दिखा, आ के नाम में मेरा मनराज 0 है, बिल्कुल 0 है, बस नीचे से चुग चुग के खिला लो इसको जो मर्जी, ये क्या लिख रहे हो, क्या है ये, बोल के दिखाओ क्या है ये, है 1-3 थोड़ी है ये, 1 लिखो यहाँ पे, या 1 लिख के दिखाओ, यहाँ पे साफ है ना, यहाँ पे लिख के दिखाओ, यहाँ पे लिख के दिखाओ, यहाँ पे गुरु, यहाँ बाबू, यहाँ पे नहीं, सही से पकड़ो इसको, पहले पेंसिल को सही से पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ना बट्टू, सही से पकड़ो मेरा बच्चा, दिखाओ सही से पकड़ो पेंसिल अपनी, सही से पकड़ो, इधर देख के गुरु, इधर 1 लिखो, 1 लिखो, 1 नहीं लिखना क्या, पढ़ाई नहीं करनी है, रिमोट कहाँ है रिमोट, ये देखो, और इसने ये 1-2-3 मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को कह रहा 1-2-3 लिखा है, ये इसने लिखा है 1, ये इनके 1 है, ये देखो, वैसे इन्हें कॉपी पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए इन्हें, और ये पढ़ाई नहीं करते, देख लो कैसे बैठे हुए हैं,
सारी चीज़ों को बेड से उठा उठा के खाने लग जाता है, लेकिन डांटो तो नहीं मानते हैं ये मेरे गंदे बच्चे नहीं मानते। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो हेलो इसलिए दोबारा से मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। इससे पहले उठे थे हम, तो वो रात को उठे थे 1:30 बजे, और तब से जागते 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 सुबह सोए हम 7:30-8:15 बजे के आसपास। और अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, अभी 11:30-12 हो रहे हैं। तो अभी जस्ट अभी नहीं, मतलब हो गया मुझे आधा पौना घंटा अभी भी उठे हुए, और अब हम पीने जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय। मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी ब्लैक टी स्टार्ट कर दूँ, पर ना पता नहीं क्यों अंदर से तलब लगी कि नहीं दूध वाली पीनी है। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि शाम से ना मैं ब्लैक टी पे आ जाऊँ, अपना लेमन वाली पीऊँ। तो देखते हैं शाम से क्या होता है। पापा भी हंस पड़े कि हम वापस पिएगी नहीं। सच में मैं स्टार्ट करूँगी ब्लैक टी, दोबारा से स्टार्ट करूँगी मैं। और हाँ, मैं आप लोगों को कल बताने वाली थी शैम्पू के बारे में, बट मैं कल बता ही नहीं पाई, तो मैं जल्दी से आप लोगों को बताऊँगी। बट अभी चाय पी के, और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आप लोगों को शैम्पू के बारे में पता चलेगा। और जिनके हेयर फॉल है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मुझे इस शैम्पू के बारे में ना मेरी मम्मी ने बताया था। मैं पहले सोच रही थी यार मैं इसकी बड़ी बॉटल ले आई, फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी कहीं, फिर मतलब सूट ना करे तो क्या करूँगी क्या करूँगी। बट फिर भी एक बार में ही मुझे सूट कर गया, टच वुड, बहुत अच्छा था। और फिर मैंने धीरे 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 इसी को अपने डेली रूटीन में लिया है। मेरी सिस्टर बोलती है यार इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, ये है वो है, पर खुशबू से क्या करना है मुझे, मेरी तो अपने बालों को बचाना है ना, तो खुशबू रहे ना रहे लेकिन बाल ज़रूर रहने चाहिए, है नहीं? और क्या था, हाँ इसका रिव्यू भी मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी, बट वो दूसरे वाले चैनल पे दूंगी। अभी काफ़ी टाइम से ना इस चैनल पे वीडियोस डल रही हैं ना उस चैनल पे वीडियो डल रही हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे उस पे भी वीडियोस आएंगी, इस पे भी वीडियो आएंगी। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी मैं लंच करके हटी हूँ, और लंच मतलब हो गया, आधा घंटा हो गया, लेकिन इतनी घबराहट सी हो रही है ना, अजीब सा फील हो रहा है। खाली वाली कोल्ड ड्रिंक पीने जा रही हूँ खाली वाली मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने जा रही हूँ। अजीब सी घबराहट सी हो रही है, आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों को फाइनली बताने का टाइम आ गया कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। और मैं ना आज की फुल वीडियो में मैंने कोई डेंट पेंट नहीं किया, कोई मैं तैयार नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, गर्मी के कारण दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना फिर भी मुझे, ठीक है ना? तो चलिए मैं आराम से आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए बताती हूँ। हाँ जी, तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे शैम्पू के बारे में जो कि आपके बालों को ना, सीरियसली कह रही हूँ, इतना टूटने से बचाता है, इतना ज़्यादा टूटने से बचाता है, इतना आई थिंक शायद सीरम भी नहीं बचा सकता या फिर कोई हेयर पैक नहीं बचा सकता जितना ये शैम्पू, सिर्फ एक शैम्पू इतना वर्क करता है। और वाकई में ये वर्क करता है, जैसे बाकी शैम्पू को मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई शैम्पू या सीरम या कुछ भी एक्स वाई जेड आपके बालों को जो है स्ट्रॉन्ग नहीं करते या टूटने से नहीं बचाते, बचाते होंगे, करते होंगे, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ वाकई में इस शैम्पू में कमाल है, जादू है इस शैम्पू में। तो मैंने इस शैम्पू को सिर्फ एक बार दो बार यूज़ किया था, दूसरी बार से मेरे बालों ने टूटना जो है 80% कम कर दिया। लोग कहते हैं 1-2%, 10%, 20%, बट मैं 80% बता रही हूँ, 80% टूटना बंद कर दिया। जो जगह जगह मेरे बाल पड़े रहते थे ऐसे कपड़ों पे, ऐसे ऐसे होते थे, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। अब अगर मेरे बाल टूटते हैं तो इस वजह से टूटते हैं क्योंकि मनराज पकड़ पकड़ के खींचता है, या फिर जो है मतलब किसी अपने पर्सनल रीज़न के वजह से अगर टूटते हैं तो टूटते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं टूटते हैं। और ये शैम्पू कौन सा है चलिए बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं ना इसकी डायरेक्ट मैं लड़ी ले आती हूँ। आप देख सकते हो लड़ी, वैसे आप पाउच देख के समझ ही चुके होंगे कि ये कौन सा है। तो जी हाँ, ये है इंदुलेखा।
ये इंदुलेखा, तो इस पे प्राइस भी लिखा हुआ है, 2 रुपीज़ का पाउच है, बहुत ही सिंपल छुट्टू सा पाउच है, मेरे बालों के लिए काफ़ी था। वैसे 5 रुपये वाला भी आता है इसके अंदर, बड़ा वाला पाउच, और इसकी जो है बॉटल भी आती है, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच बताया। तो इसका रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मैं आपके अपने दूसरे चैनल पे दूंगी, और जैसे ही रिव्यू आएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये एक हर्बल शैम्पू है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक हर्बल शैम्पू है, इसमें फ्रेगनेंस की तो आप उम्मीद ही मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई अच्छी फ्रेगनेंस आएगी, ठीक है, बट ये वर्क करेगा। अगर आपको अपने बालों को बचाना है तो इस शैम्पू को ज़रूर यूज़ करना, और मेरे साथ भी शेयर ज़रूर करना कि आप लोगों ने इसको यूज़ किया तो आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे कट करती हूँ, कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।